अस्सलाम वालेकुम, मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं नौजवान नंबर एक और मेरे साथ मौजूद हैं फवाद मुस्तफ़ा नौजवान नंबर दो। देखिए मेरी करीब की नज़र कमज़ोर है तो आपका एक स्टेटस मैंने अभी देखा था, लंबा चौड़ा मैं पढ़ नहीं सका, तो क्या था उसके अंदर? बेदी साहब के हवाले से जी। अरे यार बेदी साहब ग्रेट आदमी थे, शोएब मियां, इस तरह के लोग यार हमारे सब कॉन्टिनेंट में कम ही होते हैं। बड़े ही उसूल पसंद आदमी थे। उनका ईमेल जो मैंने भी पढ़ा, फिर एक साहब जो थे उन्होंने उसके ऊपर मुझे एक मशवरा दिया कि ये आपने क्या कर दिया है, ये तो प्राइवेट कन्वर्सेशन है। मैंने कहा भाई ये मैंने कुछ नहीं किया, उनकी एक अखबार में छपी थी, वो मैंने पढ़ी और मैंने वो शेयर की है। मेरे इस किस्म के ताल्लुकात नहीं थे कि मुझे वो ईमेल अपनी शेयर करते, बट उन्होंने वो ईमेल लिखी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को थी और ये बाकी लोगों से भी शेयर की थी, सो दैट पीपल वुड नो कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो हुआ ये था, अरुण जेटली साहब जो इंडिया के मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और फिर उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके हवाले से एक स्टैच्यू जो था वो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में लगाया जा रहा था, तो उस पर उन्होंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जी एक स्टैंड मेरे नाम पे भी है और ये कोई क्रिकेट ऑर्गेनाइजर कितना भी बड़ा हो उसके उसका स्टैच्यू नहीं लगता, ये मैदान जो है ये खिलाड़ी की जगह होती है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जी उनपे शायद वो करप्शन के चार्जेस भी थे, उन्होंने ये कतई तौर पे नहीं कहा कि वो उसमें थे या नहीं थे, लेकिन चार्जेस लगे थे तो एक अच्छी चीज नहीं जाएगी। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि जी हाकिम वक्त के खिलाफ इतनी बड़ी बात कहना और फिर ये कहना कि जी मेरा स्टैंड पे से नाम हटा ले तो ये एक बड़ी बात होती है। आजकल तो कोई लोग छोटी छोटी नौकरियां और छोटी छोटी पोजीशन के लिए बड़ी बड़े कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट बेदी साहब का करियर क्रिकेट के हवाले से भी आपको भी पता है कि वो एक दो बार जब उन्होंने ग्राउंड में चीजें देखी कि जो उसूलों के मुताबिक नहीं हुई तो अपनी टीम को भी बाहर ले आए, तो बहुत एक सख्त किस्म के शख्स थे। हमारे यहाँ बहुत से लोग बदकिस्मती ऐसे लोगों को चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो पागल कहते हैं, क्योंकि अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी जो है उसको पागल ही कहा जाता है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो इस किस्म की जिंदगी उन्होंने गुजारी, बड़े ही शानदार स्पिनर थे और मेरे लिए उससे ज्यादा मैं उनकी किताबें भी जो उन्होंने लिखे हैं आर्टिकल्स वो पढ़े हैं, जो उनके इंटरव्यूज हैं मैंने बहुत कुछ सीखा। अमल करना उतना आसान नहीं जितना उनसे सीखा। फिर वो नवाब पटौदी जो थे उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे वो। पटौदी साहब को बेसिकली उनका कहना ये था कि हमारी टीम में क्रिकेट में वो जो एक नेशनलिज्म और वो जो इंडिया वाली बात है वो नवाब पटौदी लेके आए। उससे पहले हम सब कहते थे कि जी मैं फलां स्टेट से खेलता हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, तो वो जो इंडियन वाली चीज थी वो पटौदी साहब लेके आए कि भाई नहीं आप इंडियन है और आप टीम इंडिया से खेलते हैं। तो ये एक चीज थी और बहुत ही अफसोस हुआ उनके जाने का। बड़ा एक उन्होंने थोड़ा सा पिछले 2-3 साल मुश्किल गुजारे, बीमार थे वो। फिर आपको याद होगा करतारपुर साहब भी आए थे, इंतखाब आलम साहब से उनकी बड़ी दोस्ती थी, मुश्ताक मोहम्मद साहब से, और उनके मुताबिक मुश्ताक मोहम्मद से बड़ा कोई कप्तान पाकिस्तान का पैदा नहीं हुआ। ये उनके ख्यालात थे जो मैंने आपसे शेयर। बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे वक्तों की बात है सोहेब साहब। उस वक्त पाकिस्तान में कुछ ऐसा या इंडिया में नहीं होता था कि ये इंडियन है वो पाकिस्तानी है, और बड़े अच्छे तरीके से रिलेशनशिप होते थे। बाज़ तो ये था कि इन लोगों के अपने करीब तरीन लोगों से ज्यादा करीबी रिलेशनशिप रहे हैं, मुश्ताक साहब से और इंतखाब आलम से, बेदी के। और आपको याद होगा एक बार इंतखाब आलम ने इंडियन पंजाब की कोचिंग भी की है, वहां गए थे वो। अच्छा अच्छा मैंने जो बेदी साहब को देखा है, ही वॉज क्रिटिकल ऑफ IPL, ही वॉज क्रिटिकल ऑफ मुरलीधरन, हरभजन को भी नहीं छोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं वो इसी वजह से बहुत से लोग उनसे नाखुश भी रहते थे। उन्होंने IPL के हवाले से बात की थी, भाई बड़े प्रिंसिपल्ड आदमी थे, जेंटलमैन थे, उन्होंने कहा जेंटलमैन गेम है ये और ये आप किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह बोलियां लगा रहे हैं क्रिकेटर की। उनके लिए स्पोर्ट्समैन को मैंने एक जगह सुना था, उन्होंने कहा कि जी स्पोर्ट्समैन है कोई आम चीज नहीं होता, आप किसी हर मोहल्ले में आपको कोई ओलंपियन या टेस्ट क्रिकेटर नहीं मिलता, ये आप बड़े सदियों में और बड़े सालों में पैदा होते हैं, आपको हर दूसरी गली में एक इंजीनियर डॉक्टर मिल जाएगा लेकिन ओलंपियन और टेस्ट क्रिकेटर हर जगह नहीं मिलेगा। तो उनके लिए बड़ी एक एहतराम रखते थे और वो शायद उसमें से थे कि वो
इस कमर्शियल वर्ल्ड में, और वो जो क्रिकेट में अब कमर्शियल एक एस्पेक्ट आ गया है कि जी पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो कहते थे नहीं जी पैसा नहीं, क्रिकेट इसी तरह से खेली जाएगी। फिर चेकिंग के हवाले से वो इस पे वो कहते थे, एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जी एक जगह वो बैठे हुए थे एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा जी दूसरा क्या है, तो कुछ इंग्लिश प्रेस वाले भी थे, तो उन्होंने कहा कि जी दूसरा मैं आपको अंग्रेजी में समझाता हूँ कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप का किसी से कि वाइफ से किसी कोई आदमी उसकी जिंदगी में है तो वो दूसरा कहलाएगा, तो ये हलाल होगा या हराम होगा, ये सही होगा गलत, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी गलत, तो कहते मैं दूसरा ऐसे ही समझता हूँ। तो उनका मकसद कहने का ये था कि दूसरे के लिए जो आप चेकिंग करते हैं वो गलत है। अच्छा दूसरा आप मुझे ये बताएं शोएब साहब, आप बताएं ये मुझे बताएं, आप इतने अरसे से मीडिया में हैं, ये जो आप लोग अगर रिलीज कर रहे होते हैं कि अंदर की मीटिंग की खबर, कोई इसका ऐसा कुछ हिसाब किताब है कि उस बंदे से पूछा जाए कि भाई तेरे पास प्रूफ क्या है? अब मेरी आपकी अगर बात हो रही है और आप इसे रिकॉर्ड करके ना डालें तो किसी तीसरे आदमी को कैसे पता चलेगा? देखिए उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कानूनी तौर पे कोई ऐसा हिसाब किताब ही नहीं है कि आप किसी को लेके जा सके अदालत में कि भाई तुमने किस सोर्स से और किस तरह से ये अंदर की मीटिंग की बात की कि उसकी इससे लड़ाई हो रही है, उसने इसको थप्पड़ मार दिया है, वो इससे नाराज है, वो इससे बात नहीं कर रहा। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है सुहेब साहब, जब से जर्नलिज्म में ना हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे और जिन लोगों को पढ़ते आ रहे थे अब उन्हें कोई पढ़ता भी नहीं है, और बदकिस्मती है कि उन बेचारों को तो अब बताना पड़ता है कि वो जर्नलिस्ट हैं। वो इस किस्म की ओछी हरकतें नहीं होती थी, और अगर होती थी तो उनके पास बाकायदा प्रूफ मौजूद होता था जो आपसे मुझसे वो शेयर ना करें, लेकिन जो उनके अखबार का एडिटर था उसको जरूर पता होता था, वरना वो प्रिंट ही नहीं करता था। तो ये हमारे यहाँ हो गया है कि अब मसाला है ना, अब मैं कुछ भी लिख दूं कि जी बाबर की लड़ाई हो गई शादाब से, कोई मुझसे पूछेगा नहीं, अगला 5,000 लोगों को व्हाट्सएप कर देगा, मैं मशहूर हो जाऊंगा। तो ये एक बदकिस्मती हो गई, लेकिन आपको परेशानी वही है ना कि बस नंबर लेने हैं, व्यूज लेने हैं, अब उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अब बास वक्त ये कि अगर अंदर की खबर में नहीं दे रहा फिर भी आ गई तो क्या करेंगे, ये भी तो बताएं ना। हमारे मुल्क में तो ऐसी ऐसी अंदर की खबरें हर हर शोबे में आ जाती है जो अगला बंदा कहता है कि भाई ये तो मैंने बोला भी नहीं था, और वो तो ऐसे आती है कि अभी आपकी मेरी मीटिंग हुई, ये चीज आपने रिकॉर्ड लगाया भी नहीं, अगलों ने बता दिया फवाद साहब और शोएब साहब की मीटिंग हुई और ये हुआ है। तो मैं नहीं कह रहा कि अंदर की बातें बाहर भी आती है, बाज़ वक़्त अंदर की बातें जो हुई नहीं होती वो भी हम डाल देते हैं, लेकिन हमसे कोई पूछता नहीं है। अभी वर्ल्ड कप से पहले एक खेल थी तो एंड्रयू हैमिल्स साइमंस कह रहे हैं पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा और लोग थॉर्डर शेयर कर रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, कहां से कह रहे हैं? ऊपर से यार, बस यही हाल है ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उसका क्या करें। असल में देखें आप, बात सारी ये है सुहेब, हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं ना, चाहे स्कूल है यूनिवर्सिटी, हम चाहते हैं कि कोई खिलाड़ी हमारी तरफ देखे भी नहीं। एक ज़माना था यूनिवर्सिटी स्कूल्स कॉलेजेस का किरदार होता था स्पोर्ट्समैन बनाने में, जो आपके यहाँ गिरावट आई है ना खिलाड़ियों की बात सुनने में अफसोस हो रहा होता है, जिस तरह से वो बात कर रहे होते हैं और आप दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स को सुने, वो यही है। अब कोहली नहीं पढ़ा लेकिन उसकी तरबियत हो गई एक अच्छे स्कूल में, और बेसिकली अगर आप स्कूल में 8-10 साल अच्छे में गुजार दें तो आगे आप अगर किसी और शोबे में भी जाते हैं आपकी तरबियत हो जाती है। वो हमारे यहाँ हो ही नहीं पा रही क्योंकि ना सरकारी स्कूल आपको लेने को तैयार है ना दूसरा है कोई स्कूल, और वो स्कूल आता है तो वो कहते हैं बस जी अब खेल वेल छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो, 8 A लेने हैं, 2 A स्टार लेने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। उनको ये नहीं पता कि खिलाड़ी और आर्टिस्ट जो है वो थोड़े तालीमी बाकी सब्जेक्ट्स में कमजोर ही रहे दुनिया भर में, लेकिन वो हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो हमारे माशरे का बदकिस्मती से जो रोल होना चाहिए एक 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 स्पोर्ट्समैन को डेवलप करने में वो बिल्कुल नहीं है, और फिर वो जिस तरह से प्लेयर आ रहा है, प्लस हमें जो खिलाने वाले थे वो पढ़े लिखे लोग थे, अब जो इन खिलाड़ियों को खिलाने वाले भी हैं वो भी यहाँ से वहाँ तक के ही पढ़े हुए हैं, और वो जिस किस्म की सोच रखते हैं वही प्लेयर्स में आती है। तो ओवरऑल जो गिरावट है माशरे की वही आपको इस जगह पर भी नजर आती है। बाज़ोकत अच्छे बड़े मुल्कों के खिलाड़ी भी कुछ भी बोंगी मार देते हैं, मसला सारा ये है कि आपने कब क्या बोलना है, आपने एक बड़े इवेंट में जाना है तो आपने किस तरह से बिहेव करना है,
ये सारी चीजें आपकी तरबियत में आती हैं, और ये बेसिक चीजें हैं। जब आप एक अच्छी जगह से आपकी तरबियत होती है तो आपको समझ होती है। बेसिकली आप एम्बेसडर हैं एक तरह से इस वक्त पाकिस्तान के, इंडिया में या दुनिया भर में। ये इन बच्चों को समझाने वाला कोई नहीं है, और ये समझाया जाता है 16-17 साल की उम्र से। अब ये लड़के 16-16 साल से पीसीबी के साथ हैं, उनका अपना ही नहीं पता वहाँ कि वो कब कौन क्या रहेगा, और वो भी एक अजीब ही इदारा बन गया। कहाँ नूर खान, कहाँ आरिफ अब्बासी, कहाँ माजिद खान, और अब कहाँ कौन कौन से लोग चला रहे हैं। अच्छा ये बताएं साउथ अफ्रीका कितने बना रही है? साउथ अफ्रीका यार शुएब भाई, एक तो हमारी टीम का पता कुछ नहीं होता, ये आपको वहां ले जाके मारते हैं जहां आपने सोचा भी नहीं होता। सबसे मुश्किल एनालिसिस पाकिस्तान पे होते हैं, स्पेशली जब वो निचली सतह पे हो। अभी तो खबर ये भी आ रही है कि शायद अगर फखर अनफिट हुए तो अबरार कल खेल जाए, ये भी इत्तलात है। लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका फेवरेट है, और साउथ अफ्रीका का यहाँ से आगे रुकना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो उनके ऊपर बोझ था एक कप्तान का, बहुमा भाई का जो उनके कप्तान थे, उनकी भी उन्होंने छुट्टी कर दी, जिससे टीम और स्ट्रांग हो गई है। तो अब मुझे लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका, देखिए साउथ अफ्रीका फंस अगर सकती है तब ये एक चीज देखनी है कि वो चेस कैसे करते हैं। बड़ी बारी में, पहली बारी में तो बड़े रन कर रहे हैं, अब एक ही उनका थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न है कि वो चेस कैसे करेंगे। मुझे उसी का इंतजार है कि अगर आप पहले बारी करते हैं और आप 300-325 कर लेते हैं किसी तरह, जो आसान नहीं है, तो फिर देखा जाएगा कि साउथ अफ्रीका कैसे करता है। लेकिन दूसरी बारी में साउथ अफ्रीका के पेसर्स भी अंडर द लाइट्स बड़ी अच्छी गेंदें कर रहे हैं और बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो मुझे तो साउथ अफ्रीका फेवरेट ही लग रहा है। अब पाकिस्तान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाए, हमें जलील करवा जाए, तो अलग बात है। बस दुआ यही करें कि कल कोई अच्छा कर जाए। अल्लाह करे वो अच्छे हों और मुझे रुसवा करें, मुझे खुशी बहुत होगी। चले फिर आपसे बात होती है फवाद भाई। थैंक यू सोएब, बहुत बहुत शुक्रिया।